बहुबलीपुर सांसद अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में जहां तीनों आरोपियों की आज जिला न्यायालय में पेशी की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये तीनों आरोपी अरुण सनी लवलेस प्रतापगढ़ जेल में बंद है। बता दें आपको कि जहां 13 जुलाई को जहां SIT ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया था और इन पर आरोप तय होने थे, इसी मामले में आज सुनवाई थी, मगर अरुण और लवलेस के वकील आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद अग्रेरी के अनुसार जहां सनी के पास अधिवक्ता नहीं थे और जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सरकारी अधिवक्ता मुहैया कराया है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है इस पूरे मामले में और इसमें आरोप अब तय हो जाएंगे 17 नवंबर को, और जिसके बाद एक बार फिर से अब आगे इस पे क्या कोर्ट का निर्णय होगा ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज। बिग बॉस OTT के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। नोएडा में कल रात पुलिस ने रेड की और वहां पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 ऐसे सांप मिले हैं जो विषैले हैं, जो जिनके जहर से बताया जा रहा है कि वहां पर रेप पार्टी की जा रही थी और उस जहर से ही नशे का भी वहां पर संचालन किया जा रहा था। पूरे इस मामले में करीब 5 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने इस पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मामले में जो पीपल्स ऑफ जो एनिमल्स ऑफ पीपल्स करके जो संस्था है उसके संस्थापक हैं मेनका गांधी, सुल्तानपुर के सांसद हैं, उनकी पहल के बाद इस तरह की रेप पार्टी पर रेड की गई थी। वन विभाग और उस संस्था के अलावा पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची थी और 5 लोगों के अलावा वहां पर कई विदेशी मेहमान थे जिनको उस पार्टी में बुलाया गया था। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि रेप पार्टी जो खासकर नोएडा के फार्म हाउस पर होती हैं वहां पर अब पुलिस का शिकंजा कसेगा। इस मामले में एल्विश यादव की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि उनके कहने पर ही इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। पुलिस का कहना है कि जांच में अगर उनकी पूरी भूमिका निकलेगी तो जल्द ही एल्विश यादव को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर तिदवई, जनता टीवी, लखनऊ। त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने लखनऊ में जो है 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इसके चलते अब पूरे शहर में लोग ना तो सभाएं कर पाएंगे और ना बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो पाएंगे, और विधानसभा के आसपास ही नहीं बल्कि बड़े चौराहों के आसपास भी अब ना तो तांगा गाड़ी घोड़े गाड़ी चल पाएंगे, ना जो है ज्वलनशील पदार्थ लेकर लोग आ जा सकेंगे, इन पर नियंत्रण रहेगा। साथ ही जो है लोग ड्रोन से शूटिंग भी नहीं कर सकेंगे विधानसभा उसके आसपास। ये कोशिश की जा रही है कि इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा शहर में शांति रहे और लोग शहर में सकुशल अपने पर्व त्यौहार मना सकें। तो त्यौहारों को शांतिपूर्ण मनाने चक्कर में किया गया यह निर्णय लोगों के लिए हितकर साबित होगा। इटावा जनपद में एक बार फिर कहीं ना कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर कहीं ना कहीं 2024 को लेकर एक बड़ा बयान दिया। वहीं लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके स्वास्थ्य सेवाएं हों या कई ऐसे जो प्रदेश में पूरी तरीके से हालात गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं पूरी तरीके सरकार को 2024 में जनता जरूर जवाब देगी। क्योंकि कांग्रेस को लेकर जब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस गठबंधन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी वजूद नहीं है, आने वाले समय में भाजपा सरकार को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही टक्कर देगी, जिसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में 2024 की पूरी तरीके तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में उतरती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी को 2024 में कितना लाभ मिलेगा। कैमरामैन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी वायुमंडल में घोल रहे जहर, जिम्मेदार बने मूक दर्शक। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद नगर पंचायत का है, जहां पर रसूलाबाद नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की कारगुजारी इस तरीके की है कि वायुमंडल में जिम्मेदार की उदासीनता के चलते वायुमंडल में जहर घोला जा रहा है, जहां पर लगातार अब आने जाने वाले राहगीर से लोग क्षेत्रीय स्थानीय लोग भी परेशान है। मामला दरअसल रसूलाबाद नगर पंचायत कार्यालय के समीप जो नगर पंचायत की गाड़ियां हैं कूड़ेदान धोने वाली, वो गाड़ियां नगर पंचायत के सभी वार्डों से कूड़ा ले जाकर विभिन्न क्षेत्रों में कूड़े को डंप करती हैं। इस दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा उस कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती है, जिससे कूड़ा महीनों व हफ्तों तक सुलगता रहता है, जिसके बाद उस कूड़े से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में जहर घोल रहा है। लगातार प्रदूषण विभाग से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी कार्रवाई के लिए कई बार मांग की गई है, लेकिन
हालांकि जिम्मेदार अधिकारी इस क्षेत्रीय नगर पंचायत के हैं, वो पूरे मामले पर मुख्य दर्शक बने हुए। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहां वायुमंडल में जहर घोला जा रहा है नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा, और हालांकि पूरे मामले पर जब लोग शिकायत भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उन जिम्मेदार शिकायतों को दरकिनार कर देते हैं। अब देखना ये होगा कि एक तरफ पराली जलाने को लेकर जो किसानों पर लगातार कानून सख्त किया जा रहा है, ऐसे में अब नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की कारगुजारी को लेकर क्या अब उन पर कोई सख्त कार्रवाई जिले को उच्च अधिकारी कर पाएंगे, या फिर इसी तरीके से वायुमंडल में जिम्मेदार जहर घोलते रहेंगे। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज लखनऊ स्वास्थ्य भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ये आयोजन महानिदेशक स्वास्थ्य के आदेश के अनुक्रम में हुआ। कार्यक्रम में मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने रक्तदान देकर के कार्यक्रम को सहयोग किया। साथ ही साथ उक्त कार्यक्रम का नेतृत्व लखनऊ में लोक बंधु चिकित्सालय के स्टाफ ने वहां पर मौजूद रहकर कार्यक्रम को सहयोग किया। खासतौर से वहां पर उपस्थित डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, जो कि चिकित्सा अधीक्षक हैं लोक बंधु चिकित्सालय में, उन्होंने लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया और रक्तदान के महत्व को बताया। निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर कहीं ना कहीं लोगों को एकता के सूत्र में बांध रहा, ये कहना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। शाहपुर में जिला अधिकारी के आदेश पर 3 शातिर अपराधियों को जिला बदर किया गया है। ये ढोल जो बज रहे हैं, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये ढोल पुलिस द्वारा बजाए जा रहे हैं। यह ढोल अलीजई मोहल्ले में बज रहे हैं। यहाँ पर सोहेल, कामरान और इमरान 3 शातिर अपराधी हैं, जिनके नाम से व्यापारी से लेकर उद्योगपति तक खराते हैं और उनका जिला बदर हुआ है। यदि वह 6 महीने के लिए जिला बदर है, यदि वह 6 महीने के अंदर जिले में आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इन तीनों का आतंक इतना था कि जो भी इनका नाम सुनता था पत्थर्रा जाता था। अब जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन तीनों को जिला बदर किया है। आपको बता दें, जिला बदर की कार्रवाई 6 महीने के लिए होती है और यदि 6 महीने के अंदर ये अपराधी शाहजहांपुर जिले में नजर आते हैं तो इन पर 6 महीने की अवधि और बढ़ा दी जाएगी, साथ ही इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कर रही है, उसमें शाहजहांपुर जिला शायद नंबर 1 पर पहुंचने वाला है। अब देखना यह है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।